नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के भरत नगर थाना इलाके में हुआ सड़क हादसा। जी हां, सत्यवती कॉलेज फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो फुटपाथ से टकरा कर पुल से नीचे लटकी। वहीं स्कॉर्पियो सवार महिला जिसकी पहचान हुई पूनम की, उनकी मौत हो गई। वहीं मृतक का बेटा वत्स भारतीय जो कि 21 साल का, वो गंभीर रूप से घायल है। घायल को इलाज के लिए दीप चंद बंधु अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर बताते हुए उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया है। भरतनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जी हां, आपको बता दें पूरी घटना जो है सुबह तकरीबन 5 बजे की है, जब भरतनगर थाना पुलिस को PCR कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार सत्यवती कॉलेज फ्लाईओवर से टकरा कर नीचे गिर गई है, जिसमें कार में बैठी महिला की मौत हो चुकी है, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है। मृतक महिला पूनम भाटिया अशोक विहार फेज 1 के रहने वाली है और उनका इकलौता बेटा वत्स भाटिया है, जिसकी आज सुबह एक कार एक्सीडेंट में हालत गंभीर हो गई। गंभीर हालत में पुलिस ने घायल को दीपचंद बंधु अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घायल की हालत को देखते हुए उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस अब जो है मामले की जाँच भी करी। पुलिस ने मृतक महिला पूनम के शव को पोस्टमार्टम के लिए जगजीवन हॉस्पिटल में पहुंचाया। वहीं हादसा देखने के बाद यह अंदेशा जताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो तेज रफ्तार थी, जिसकी वजह से कार चालक का संतुलन बिगड़ गया और करीब 1 फीट ऊंचे फुटपाथ पर चढ़कर फ्लाईओवर से कंक्रीट से ग्रिल को तोड़ते हुए स्कॉर्पियो पुल से नीचे लटक गई। मृतक महिला की पड़ोसी ने बताया कि बेटा वत्स भाटिया की हालत गंभीर है, जबकि उसकी मां की मौत हो चुकी है, जो अपने परिवार के साथ अशोक विहार फेज 1 इलाके में रहती थी। उनका इकलौता बेटा है जिसे कार एक्सीडेंट में चोट आई है। वो और पूरी घटना के बाद घर के लोगों का तांता लग गया और अपने रिश्तेदार के पास, जिस तरीके से रिश्तेदारों को सूचना मिली, इसके बाद जो रिश्तेदार हैं वो अस्पताल में पहुँच रहे हैं। वहीं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा हादसा हुआ। जिस सड़क पर यह हादसा हुआ, देखिए किस तरीके से वहाँ पर कार के परखच्चे जो हैं वो पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। RSO न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ संजीव सिंह की खास रिपोर्ट RSO न्यूज़ पर। हाँ दीपक, क्या कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ, क्या जानकारी आपको मिली, क्या पता चला है आपको? जी गाड़ी का जो स्पीड था वो 100 से 150 स्पीड था। जी मतलब बहुत ज्यादा स्पीड था गाड़ी, वहाँ से मतलब उसने जैसे एक टर्न है, देखिए आप देख रहे टर्न है, टर्न लेते ही गाड़ी में क्या गया कि मतलब स्टीयरिंग छोड़ा होगा उसने, कुछ भी क्या होगा, गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ते हुए यहाँ पे लगते हुए यहाँ पे लड़की जो है नीचे गिरी। जी वो बता रहे थे तो मतलब इतना स्पीड था। उसके बाद जो आपकी घटना है वो सामने आया, देखिए क्या और क्या जानकारी मिली थी, किसी की मौत भी हुई है इसमें? मौत हुई है, बता रही लड़की की मौत हुई है। जी अब वो नहीं पता है कि मतलब लड़की थी या मतलब लेडीज, मैंने तो देखा नहीं, जो मुझे मिला था जानकारी जो लड़की बता रही है मतलब तेज रफ्तार के कारण एक्सीडेंट हुआ है, लापरवाही बहुत ज्यादा, मतलब 100 से 150 जी। तो पुलिस आई है, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस, कुछ गाड़ी वगैरह फौजी भी ले गया, गाड़ी भी ले गया, आप जो कार्रवाई करना होगा पुलिस करेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र क्या हुआ था? देखा जी मैं यहाँ से निकल रहा था, देखा तो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ पड़ता है, स्कॉर्पियो गाड़ी थी और बताया जा रहा है कि इसमें स्कॉर्पियो में बुजुर्ग महिला थी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। अच्छा, कितने बजे घटना है कुछ पता है आइडिया? तकरीबन सुबह 5:30 के आसपास। निशा जी क्या एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, क्या जानकारी मिली, कौन थे वो लोग जिनका एक्सीडेंट हुआ है? और भाभी तो शायद ऑन द स्पॉट खत्म हो गई है, तो फिर फोन किया घर पे तो भाभी तो खत्म ही हो गए हैं और बेटा जो है अभी सदमे में ही है, बस इतना ही पता। मतलब कितनी उम्र है जिनकी मौत हुई है, जो गाड़ी चालक है क्या नाम है उसका? कितना बेटा है, कॉलेज में है और जो भाभी है वो होंगी 40+ के आसपास। मतलब परिवार कहाँ का रहने वाला है, कहाँ जा रहा था? हमें कुछ पता नहीं है। किस टाइम का इंसिडेंट है ये? ये भी नहीं पता है, 2:30-3:00 बजे 4 बजे शायद पता चला है, 2:30-3:00-4 बजे के करीब की बात है शायद।
जितना हमें पता है। मैम देखने से क्या लग रहा है, जैसे पीछे टायर के निशान, गाड़ी तेज रफ्तार थी या कोई अलग से? कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है ये गाड़ी ऐसे कैसे चिपक गई है यहाँ पर। जी भाई, हादसा देखकर तो ये कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना मेजर एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ समझ से बाहर है, बिल्कुल ही समझ से बाहर है। जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे उससे लग रहा है कि एक्सीडेंट बड़ा है। बड़ा है, इससे तो ये लग रहा है एक्सीडेंट तो बड़ा ही है। आप देखो गाड़ी में पूरा ही दरवाजा यहाँ लग गया है। जो घायल है लड़का, क्या नाम है उसका? हम तो भाई ऐसे ही यही पता है हमें तो, अभी कहाँ पर है वो? कुछ पता नहीं है, अभी तो ये पता है कि हॉस्पिटल में ले गए। परिवार में उनके अलावा कौन कौन लोग हैं? भैया है, भाभी है, बेटा है। बताइए सुनील कुमार। हाँ सुनील, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, किस तरह एक्सीडेंट है, क्या लग रहा है देखने से? अशोक विहार में हुआ, सत्यवती कॉलेज पे। जी ये सुबह पता चला हम लोगों को 8 बजे करीब में कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। जी हाँ, गाड़ी से मतलब शायद घर जा रहे थे या पार्टी से आ रहे होंगे, तो तो जिस तरह एक्सीडेंट हुआ देखकर क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस तरह क्या किस तरह का एक्सीडेंट है? ये एक्सीडेंट तो मेजर लग रहा है। जी हाँ जी, जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ है ये उस हिसाब से मेजर हुआ है। अच्छा, जो कौन सी गाड़ी थी और कितने बंदे गाड़ी में सवार थे, क्या उनकी हालत है? ये देखा नहीं जब तक हम आए, जब तक गाड़ी और वो चले गए थे, बॉडी वगैरह जो भी है वो चली। जी तो किसी की मौत भी हुई है इसमें? हाँ जी मौत हुई है लेडीज की। जी हाँ जी, ऑन द स्पॉट। अच्छा बता रहे हैं कुछ, ये बता रहे हैं कि उसमें जो गाड़ी चालक लड़का उसका कोई लड़की सवार थी या वो उनकी मदर थी? जी हाँ जी। तो वो पुलिस क्या कार्रवाई कर रहे हैं कुछ, जैसे आप पड़ोसी हैं उनके? नहीं पड़ोसी, वो देखो वो पुलिस वाले और करेंगे वो सही करेंगे, जो भी करेंगे वो सही करेंगे, और जो भी है वो सही होगा।